हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही में कांग्रेस का पैदल मार्च। सिरोही जिले कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को सिरोही जिले मुख्यालय पर आयोजित पैदल मार्च में पूर्व विधायक संयम लोधा ने जिले के आला अधिकारियों पर नाम लिए बिना गंभीर आरोप लगाए। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान उन्होंने कहा कि रोज मुफ्त की चिली पनीर माउंट आबू से सिरोही मंगवाकर खाने वाले अधिकारी जनता के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबू अधिकारियों के चिली पनीर का बिल दे देकर थक चुके हैं। लोधा ने कहा कि ज्यादा देर लगाओगे तो एक एक करके अधिकारियों का नाम लूंगा और बताऊंगा कि कौन किस पटवारी पर थानेदार से कितने रुपए लेता है। दूसरी ओर लोधा ने कलेक्ट्री परिसर में पुलिस और प्रशासन के बीच एक बार फिर जिला कलेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी इन्हीं हरकतों के कारण उन्हें झुंझुनू से 4 महीने में ही रवानगी दे दी गई। इससे नाराज होकर लोधा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट के दरवाजे के दोनों पिलर पर चढ़कर बैठ गए और प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लोधा की दलील थी कि अगर जिला प्रशासन को इस तरह लोगों को अंदर नहीं घुसने देना था तो उन्हें कलेक्ट्री परिसर में 141 लगा देनी चाहिए थी। इस बीच पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदर्शन में शामिल एक युवक से उसके घर का पता और थाना पूछने पर लोधा और भड़क गए। उन्होंने अधिकारी को कार्यकर्ता का नाम और घर का पता बताते हुए लोगों को धमकाने की आदत से बाज आने को कहा। उन्होंने कहा कि सुधरे नहीं तो वर्दी उतरवा दूंगा। लोधा ने कहा कि ज्यादा कानून बताओगे तो एडिशनल SP के ऑफिस के बाहर बनाया गया अवैध कैमरा तोड़वा दूंगा। लोधा ने आरोप लगाया कि अपनी जेबें भरने के लिए प्रशासन ने सिरोही को स्मैक की मंडी में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि माताएं उनके सामने आकर रोती हैं कि उनके बच्चे ड्रग्स की चपेट में आकर तबाह हो रहे हैं। लोधा ने कलेक्टर की जगह ADM को ज्ञापन दिया। दरअसल इतना बवाल करवाने के बाद ये संदेश आया कि कलेक्टर अवकाश पर चले गए हैं और आज कलेक्टर की चार्ज ADM को दिया गया है। लोधा ने ADM को चार्ज दिए जाने का आर्डर दिखाने को कहा। जब कलेक्टर बाबूलाल मीणा द्वारा ADM को 19 से 21 तक छुट्टी पर जाने के कारण कलेक्टर का चार्ज देने का ऑर्डर दिखाया तो लोधा ADM को ज्ञापन देने के लिए तैयार हुए। सिरोही से जागरूक TV की रिपोर्ट।